हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक इस प्रकार है, साध्वे तद व्यवहारतम विद्वान आत्मा मायन हरे है आभात्य पार्थम निर्मूलम विषम मूलम न यद बही। हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं। हरे कृष्ण। तो जैसे कि हम इस अध्याय में देख रहे हैं कि विदुर ने अनेक अनेक प्रश्न पूछे हैं और मैत्रेय मुनि उनके प्रश्नों का समाधान यहाँ पे कर रहे हैं। और जैसे कि पिछले श्लोक में जो श्लोक संख्या 15 था, उसमें विदुर विदुर जी कह रहे हैं, हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय अब दूर हो गए हैं। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पे देख हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार विदुर जी का समाधान यहाँ पर कर रहे हैं मैत्रेय मुनि, उन्होंने जो अलग अलग प्रश्न पूछे उनका प्रश्नों को उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं। और विदुर जी अब कह रहे हैं कि हे महामुनि, आपने जो भी प्रश्नों के व्याख्या की है वो कैसी है, वो अति उत्तम है। जो 16 श्लोक में यहाँ पे बता रहे हैं, जो भी व्याख्या आपने बताई है वो अति उत्तम है और वो कैसी है, जैसी होनी चाहिए, मतलब एज इट इज है, जिस प्रकार होनी चाहिए है वैसी है, वो एज इट इज है, उसमें आपका कोई मतलब मनगढ़ंत नहीं है, जो भी बताई गई है ऐसी होनी चाहिए वैसी है। लेकिन यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि जो बद्ध जीव है वो क्या है, बद्ध जीव विक्षोभों का आधार। तो यहाँ पे एक विक्षोभ कहा गया है, तो इसमें इंग्लिश में क्या कहा गया है विक्षोभ को? इंग्लिश में ऐसा दिया है माता जी, एज दे शुड डिस्टर्बेंस टू द कंडीशन सोल हैव नो अदर बेसिस देन द मूवमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। तो मतलब जो जब तो मीन्स जो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके कारण ये सारी जो जीव है ना, ये जीव कैसे है, बद्ध जीव है, वो बद्ध जीव में अलग अलग प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, वो शुद्ध है जीव, तो मूलतः शुद्ध है। जैसे हम लोगों ने भगवद गीता में भी देखा है कि जीव क्या है, भगवान की पराशक्ति है और वो मूलतः शुद्ध है, क्योंकि जिस प्रकार जो गुण भगवान में है वो गुण जीव में भी है, क्योंकि जीव क्या है, भगवान का एक अंश है, राइट। तो वो अंश होने के कारण भगवान में वो सत चित आनंद ये जो गुण है वो जीव में भी है, लेकिन वो क्या है, एक अंश मात्र है। जैसे भगवान विभु है तो जीव अणु है, तो लेकिन मतलब यहाँ पे फर्क क्या है, गुण तो सेम है लेकिन फर्क क्या है, मात्रा में है। मतलब क्वांटिटी में फर्क है, राइट। क्वालिटी सेम है लेकिन फर्क क्या है, क्वालिटी क्वांटिटी में फर्क है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो गुण तो सेम है लेकिन प्रकृति के में आने के कारण, प्रकृति द्वारा जो बहिरंगा शक्ति है, भगवान की तीन शक्तियां हम जानते हैं, भगवान की तीन शक्तियां है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। तो ये जीव क्या है, ये तटस्थ शक्ति है, और ये प्रकृति क्या किस द्वारा कार्यमान होती है, ये भगवान के बहिरंगा शक्ति के कारण होती है। और ये जीव है ये जिसको मार्जिनल पोटेंसी भी कहा जाता है, जो दोनों शक्तियों के बीच में स्थित है। तो वो किस प्रकार कार्य करता है, उस प्रकार वो या तो अंतरंगा शक्ति में जाएगा या तो बहिरंगा शक्ति में जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम लोग डिवीजन करेंगे, मतलब जीव को जो अगर दो भाग में जो अगर विभाजित किया जा सकता है, तो वो दो भाग इस प्रकार होता है, या तो जीव हमेशा के लिए नित्य मुक्त हो सकते हैं या नित्य बद्ध हो सकते हैं। तो जो नित्य मुक्त है वो हमेशा आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, जो भगवान की अंतरंग शक्ति है वहां पे कार्य करती है। तो जो नित्य मुक्त जीव है वो भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा कार्य करते रहते हैं, और जो बद्ध जीव है वो इस भौतिक जगत में आते हैं
और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीव क्या करता है इस जीव में, इस जगत में आने कर क्या करता है, जीव की ईश्वर से हर तरह से तदाकार होने की। तो यहाँ पे क्या करता है ये जीव, क्या है, भगवान का अंश मात्र है, लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ईश्वर से तदाकार होना चाहता है। मतलब वो क्या कर रहा है, तदाकार होने का अर्थ वहां पे होता है कि भगवान में वो लीन होना चाहता है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा पिछले श्लोकों में कि भगवान को जानने की 3 अवस्थाएं है, जैसे ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान, ये जो 3 अवस्था है, तो उसमें सबसे पहली है ब्राह्मण अवस्था। और वो ब्राह्मण अवस्था को किसको कहा जाता है, जो भगवान का जो अंग कांति का जो तेज है उसको ब्राह्मण अवस्था है। मतलब ये जो जो निर्विशेषवादी या क्या कहा जाता है उनको, जो मायावादी है, वो केवल सोचते हैं कि ये जो भगवान का तेज है इसी में, यही भगवान है, वो उनका ज्ञान यहाँ तक कि भगवान के तेज तक ही सीमित रहता है। और वो इस अपने मानसिक चिंतन के द्वारा भगवान से लीन होना चाहता है, मतलब वो केवल भगवान का जो तेज है उसमें लीन होना चाहते हैं। मतलब लेकिन यहाँ पे है कि जैसे हम जानते हैं, क्योंकि हम जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जीव क्या है, भगवान का अंश होने के कारण उसका स्वभाव क्या होता है, जीव का स्वभाव क्या होता है, हम लोगों ने बहुत बार सुना भी है। हाँ नित्य दास जीवे कोई कृष्ण नित्य दास। हाँ तो जैसे कि हम जानते हैं कि जीव का स्वभाव क्या है, नित्यर कृष्णदास। तो जीव हमेशा ही भगवान का सेवा करना चाहता है, लेकिन जो जो इस भौतिक जगत में आते हैं, जो अपना मन घड़न द्वारा ब्राह्मण में लीन होना चाहते हैं, तो उनका सोच क्या होता है कि हाँ ये भगवान का तेज है उसमें लीन होना चाहता है। दैट मीन्स वो भगवान का जो अपना जीव का जो स्वभाव है सेवा करना, वो इस भौतिक जगत में भी नहीं करना चाहते हैं, और जो भगवान के तेज में लीन होना चाहता है वहां पे भी उनको सेवा नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर ये भगवान का जो ब्राह्मण तेज है वो वहां पे निराकार है, वहां पे आकार है क्या, नहीं है, केवल प्रकाश है ना, वहां पे कोई साकार रूप नहीं है। तो दैट मीन्स वहां पे साकार रूप नहीं होने के कारण जीव, अगर जो जीव मुक्त होना चाहता है, तदाकार होना चाहते हैं, वहां पे जाने पर भी वो भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। मीन्स ये जो मायावादी लोग सिद्धांत स्थापित करते हैं कि भगवान में तदाकार होना है, तो इसको एक प्रकार से सायुज्य युक्ति भी कहा जाता है। तो इस मुक्ति पाने पर भी उसका कोई मतलब जो रियल उनका इंटेंशन होता है मुक्त होना, तो वो वहां पे साध्य नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पे जीव का जैसे स्वभाव है भगवान की सेवा, तो वहां पे निराकार होने के कारण वो वहां पे सेवा नहीं कर पाते हैं। मतलब ये जो जीव वहां पे जाते हैं निराकार मतलब भगवान के तेज में लीन होना चाहते हैं, वो थोड़े ध्यान के लिए वहां पे रह सकते हैं, लेकिन जैसे आत्मा, हम जानते हैं कि आत्माओं का क्या स्वभाव है, चंचल है, उसका चेतना है, तो चेतना के कारण वो स्वभाव, उसका स्वभाव क्या है, सेवा करना। तो चंचलता के कारण, उसने चेतना होने के कारण वो वहां पे वो स्थिर नहीं हो पाता है, और फिर कुछ समय के लिए वो ब्राह्मण में रहता है, वो तेज में रहता है, लेकिन वापस वो वहां पे उब जाता है कि कुछ करने के लिए है नहीं ना, क्योंकि सेवा करना जीव का स्वभाव है, लेकिन वहां पे करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो वापस इस जगत में आ जाता है, पृथ्वी लोक में आ जाता है। क्योंकि यहाँ इस जो लोक में आने पर वो अलग अलग प्रकार के सेवा कर सकता है। तो ये जो है ना, कि इसलिए कहा गया है कि ये अवैध इच्छा है। इसको अवैध इच्छा कैसे कहा गया है, अवैध मतलब जो विधि है विधि के उल्टा कार्य करना। जैसे जीव का स्वभाव क्या है, सेवा करना, लेकिन यहाँ पे जीव क्या कर रहा है, वो सेवा नहीं करना चाहता है, भगवान के तेज में लीन होना चाहता है। मतलब वो इस जगत में भी सेवा नहीं करना चाहता है, और मुक्ति के बाद भी सेवा नहीं करना चाहता है, इसलिए उसको अवैध इच्छा कहा जाता है। और इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि आगे लाइन भगवान प्रभुपाद तात्पर्य में इतना सुंदर बता रहे हैं कि इसलिए कि जीव की ईश्वर से हर तरह से तदाकार होने की अवैध इच्छा ही संपूर्ण भौतिक जगत का मूल कारण है। तो
तो जैसे कि हम अभी इस्कॉन से जुड़े होने के कारण हम लोग जब प्रचार करते हैं या लोगों से मिलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय में, तो जनरली लोगों का प्रश्न होता है कि अगर हम सब जीव आध्यात्मिक मतलब भगवान के साथ रहने वाले हैं, मुक्त जीव है, शाश्वत है, तो फिर हम लोग इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं। तो यह इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया जा रहा है कि जीव की अवैध इच्छा के कारण भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो यह इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया जाता है। आगे प्रभुपाद जी सुंदर बता रहे हैं कि अन्यथा ईश्वर को ऐसा जगत उत्पन्न करने की, यहाँ तक कि अपनी लीलाओं के लिए भी कोई आवश्यकता न होती। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान ने जीवों की इच्छा पूरी करने के लिए इस भौतिक जगत का निर्माण किया है, और इस जगत में निर्माण करने के साथ वो अनेक अनेक सुविधा भी प्रदान करते हैं। कैसे सुविधा? जैसे खाने के लिए उनको अन्न पदार्थ उत्पन्न करते हैं, तो इसके लिए सूर्य चंद्रमा दिए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश के बिना जीव वहां इस जगत में कोई कार्य नहीं कर सकता है। बाहर भी और अपने शरीर के अंदर भी भगवान सूर्य का जो अग्नि है वो पचाने के लिए कार्य करता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य के बिना कोई कार्य नहीं है। चंद्र क्या करता है? चंद्र की शीतलता जो वो जी शीतलता वनस्पति में रस के रूप में प्रवेश करता है, और वो हमें हम उसको खाने के बाद हमें शक्ति मिलती है। तो इस प्रकार भगवान खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, और रहने के हम लोगों के रहने के लिए कितने भुवन दिए? 14 भुवन दिए हैं। मीन्स रोटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि रहने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जैसे मकान है, कितने मकान है? तो हम लोगों को 14 भुवन भगवान ने यहाँ पे दे रखे हैं। तो हम लोग 14 भुवन में से किसी भी भुवन में जा सकते हैं। और खाने के लिए भगवान ने चंद्रमा और सूर्य वा को भेजा है। जैसे पृथ्वी है, अग्नि, जल, वायु, ये पंच महाभूत है, अलग अलग देवता है, वो अपने अपने कार्य करके हम लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं। और फिर थर्ड है मतलब रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, सॉरी रोटी हो गया, मकान हो गया, मतलब 14 भुवन। थर्ड क्या है? कपड़ा। तो कपड़ा क्या है? जो वस्त्र है ये कितने हैं? 84 लाख वस्त्र है हम लोगों को, वस्त्र है। हम लोग मानते हैं ना, मांसान से जीर्णानि यथाविया है, मतलब ये जो शरीर है, शरीर ये आत्मा शरीर को कपड़े के स्वरूप लिए कंपेयर किया गया है। ये आत्मा क्या है? इस शरीर में प्रवेश करता है। ये आत्मा क्या? हर वक्त मतलब मृत्यु के बाद शरीर बदलते रहता है, इसलिए ये 84 लाख योनियां यहाँ पे दी गई है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पे इस भौतिक जगत को निर्माण करते हैं, और ये सभी जो भौतिक जगत को कार्यवान करने के लिए हर एक देवता को वहां पे निहित किया गया है। जैसे हम लोगों ने पिछले श्लोकों में देखा, 5वें और 4वें अध्याय में हम लोगों ने देखा कि कौन से इंद्रियों के कौन से देवता कार्य कर रहे हैं, या वो कैसे कैसे कार्य हमारी इंद्रियां कैसे कैसे नियंत्रित की जाती है। तो ये हम लोगों ने देखा है, और यहाँ पे आगे भी बताया जा रहा है कि यहाँ तक कि अपनी लीलाओं के लिए भी कोई आवश्यकता न होती। तो यहाँ पे इस जगत पे भगवान अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, तो मतलब ये लीलाएं करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जीव भगवान कहाँ रहते हैं? आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में, राइट। और जीव कहाँ पे है? वो भी वहां पे रहते हैं, लेकिन अवैध इच्छा के कारण वो यहाँ पे आ गए। कि क्यों आ गए हैं? उनकी इच्छा है कि जैसे भगवान वहां पे आनंद ले रहे हैं, भगवान स्वामी है वहां पे, और सभी जीव उनका सेवा करते हैं, तो हाँ, जीव भी इच्छा करता है कि हाँ, जैसे भगवान स्वामी है तो मुझे भी स्वामी बनना है। तो ये जो इच्छा हो जाती है ना, तभी हमारा अदन पतन हो जाता है, भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम भगवान फिर सुविधा प्रदान कर, ठीक है, जैसे माँ जब कुकिंग कर रही है, रोटी बना रही है, तो बच्चा आके बोलता है हाँ मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो माँ क्या करती है? उसको एक छोटा सा प्लेट देती है, एक छोटा सा आटे का लोई दे देती है, और बेलन देती है, हाँ चलो तुम भी चपाती बनाओ, राइट। तो जैसे माँ बच्चे को खेलने के लिए सामान देती है, वैसे ही भगवान हमें स्वामी बनने के लिए, हाँ आपको स्वामी बनना है, ठीक है, भौतिक जगत में जाओ और कुछ समय के लिए स्वामी बनो, लेकिन भगवान ये भी बोलते हैं कि आपको वहां पे स्वामी बनना है, लेकिन पूरे समय के लिए आप वहां पे नहीं रहना है, वापस इस धाम में मेरे साथ आके रहना है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं? अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो मैं अभी आप सबसे पूछना चाहूंगी, सब लोग आप
एक एक लीला के बारे में बता सकते हैं कि भगवान ने कौन सी लीला की है, जिसके बारे में हम क्या होता है कि भगवान की लीला सुनने से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी, सब लोग एक एक लीला बताएंगे। यस परम कांति माता जी। यस गोवर्धन लीला, हरे कृष्ण। यस हसुबा माता जी। हरि दामोदर लीला, बोल। हाँ हाँ योगिनी सॉरी हाँ योगिनी माता जी। हरि पूतना का वध किया, अश्लीला बोल। मंजूभाषिनी माता जी। माता जी। हरि बोल। हाँ आशा माता जी, आशा देवी दासी माता जी। ब्रह्मा विमान लीला कि ब्रह्मा करके भगवान ने सब इच्छा पूरी कर दी। बोल हरि बोल। और कौन बताना चाहेगा? यस अगासुर का वध, यस हरि बोल। और कौन बताना चाहेगा? हरि ब्रह्मा विमोहन लीला, बोल। हाँ शांति लता माता जी। हरि गोवर्धन लीला, बोल। दीप्ति कुंडू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा का राज लीला गोपियों के साथ, हरि बोल। हाँ उदरंगा माता जी। कालियानाथ दमन लीला। हरि बोल। हाँ और कौन बताना चाहेगा? यस ध्रुव प्रिय प्रभु जी। पूतना की लीला, पूतना वध, हरि बोल। हाँ योगिनी माता जी। द्रौपदी को बचाया ना उन्होंने, वो भी एक लीला। हाँ सची लीला, सची लीला माता जी। आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है माता जी। सेना अवतार बोली है, सचिन अवतार, सेना अवतार, सेना अवतार, वर्ल्ड विंड, हवा हवा हवा, हाँ हाँ गोल गोल हाँ घूमता है। यस हाँ हाँ हरि बोल हरि बोल। हाँ उदरंगा माता जी। और गजेंद्र की रक्षा बरहा से की। हाँ हरि बोल। और कौन बताना चाहेगा? ब्रह्मा विमोहन लीला, हरि बोल। थैंक यू। हाँ आशा माता जी। हाँ कुब्जा को सुंदर बनाया। हाँ स्वर्ग से पारिजात का पुष्प लेके आया। हाँ हरि बोल। बहुत सुंदर। 16 108 रानियां भगवान की। हाँ इतने सारे रानियों के साथ विवाह किया और इतने सारे महल भी बनाए। हाँ सबको महल बस। हाँ तो और कौन बताना चाहेगा? रुक्मिणी देवी का हरण। यस हरे बोल। मतलब कोई ऐसा कोई डेयरिंग नहीं करेगा ना कि इतने सारे सैनिक होने के साथ भी और दिन के समय में कोई लड़की को उठा के लेके आए, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ हरे बोल। और कौन? नाग ने जीती वो 7 बैलों को नतने से जीता नाग ने। हाँ यस हाँ आशा माता जी, आशा देवी माता जी। के पुत्र को उन्होंने वापस लेके आए, गुरु हाँ, दक्षिणा हाँ अपने गुरु के पुत्र को हाँ नागलोक से वापस लेके आए। यस योगिनी माता। सुधर्मा सभा भवन में जाने के तभी एक एक घर से एक एक कृष्णा बाहर निकल रहे थे। हाँ, सुधर्मा भवन में जाके सब एक ही हो रहे थे। बहुत हाँ, हरे बोल। हाँ योगिनी माता जी। जन्म लेते ही वो अपने पिता को वो कारागृह से मुक्त करके यमुना पार करके लेके गए मथुरा में। यस यस अमृता माता जी। यशोदा माई को ब्राह्मण दिखाना मोह। हाँ यस परम कांति माता जी। माता जी अर्जुना को विराट रूप का दर्शन दिया। हरि बोल। और कौन बताए? रन छोड़ करके। हाँ हरि बोल। यस हाँ राशेश्वरी माता जी। वामन अवतार लिया उन्होंने, बाली के पूरा तीनों लोग अपने आप ले लिए उन्होंने। यस और वामन अवतार में तीन अवतार में, हाँ वामन अवतार तीन पग में पूरा मतलब भूमि आकाश, दो पग में भूमि, एक पग में भूमि, दूसरे पग में आकाश और इस प्रकार, और फिर तीसरे पग में भगवान ने बलि के सर के ऊपर चरण रखा। हाँ यस हसबा माता जी।
माता जी, ब्रह्मा जी ने जब वो ग्वाल बाल को गायब कर दिया था तो सबका अवतार लेके वो एक साल के लिए। यस विनय माता जी। हरे कृष्णा। बस द्रौपदी का वस्त्रहरण के समय वस्त्र दे के उसको रक्षण किया। हाँ बिल्कुल, वस्त्रहरण के वस्त्रहरण के टाइम में क्या किया था भगवान गोलोक वृंदावन में रुक्मिणी, सॉरी गोलोक वृंदावन नहीं द्वारका में रुक्मिणी के साथ वहां पे थे, लेकिन तुरंत ही वहां से आके उतारा कृष्णा बोल के उसने वस्त्र का प्रदान किया। यस माता जी। यस ललिता माता जी। सुदामा और कृष्ण के दोस्त महाकनीला। बहुत सुंदर। मनी लेके आए जामवन से युद्ध करके, सम्यंतक मनी। सम्यंतक मनी यस। कुवलय पीढ़ाती का वर्धन। हरि बोल। यस और कौन? हाँ राधिका तिलकिनी माता जी। माता जी एक सबसे सुंदर लीला, जब रोहिणी माता जी द्वारका की सब रानियों को कृष्ण की कथा कह रही थी और सुभद्रा जी को कहा था कि आप गेट के वहां द्वार के वहां खड़े रहिए ताकि कृष्ण बलराम नहीं आ सके, तो जब कृष्ण बलराम जी आ गए, उन्होंने कथा सुनी तो उन्होंने जगन्नाथ जी का रूप धारण कर लिया, इतने मोहित हो गए उनकी कथा सुनकर। तो ये सबसे सुंदर लीला है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ यस योगिनी माता जी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने ना, युद्ध जीतने के लिए। यस यस माता जी। हाँ यस मोहिनी रूप, मोहिनी रूप धारण किया। ओ जब दुर्वासा मुनि को दुर्योधन ने भेजा, जब जब पांडव वन में थे तब, हाँ जी, तो वो खाने का दाना भी नहीं था वो द्रौपदी के पास, वो वाला। यस हरि बोल। नारद जी को थोड़ी देर के लिए वानर का रूप दिया। भगवान ने बर्बरिक को मारा, वो लीला भगवान की। ओके हरि बोल। उद्धवान के गर्भहरण केले त्यांनी गोप्यांकडे पाठवून, गोप्यांच्या तिथे पाठवून त्यांना पूर्ण भक्ती प्रदान केली की बाबा गोवर्धन लीला बताया। गोवर्धन लीला माता जी। हाँ माता जी बताया। यस ललिता माता जी। गोपियों एंड कृष्णा हेडेक। यस योगिनी माता जी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यस योगी ने माता जी। हाँ महाभारत युद्ध में वो अश्वत्थामा जब वो सूर्य को उन्होंने ढक दिया ना पूरा। यस ब्रह्म विनय माता जी। कलिंग मर्दन लीला बहुत बड़ा लीला है परमात्मा का, वो बहुत अच्छा था। कलिंग को मार के सब गोवर्धन गोवर्धन ने पूरा इनको बचा दिया था। ओके तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भगवान की लीला कितनी है, कौन बता सकता है कितनी है भगवान की लीला? असंख्य लीला है भगवान की। यस थैंक यू प्रभु जी। मतलब भगवान की भगवान अनंत है, उनकी लीला अनंत है। हाँ और अनंत शेष भी उनका गुना का लीलाओं का गुणगान नहीं कर सकते, वो खुद बोल रहे हजारों मुख होने पर भी भगवान की लीला का कोई गुणगान पूरी तरह से नहीं कर पाता है। और खुद स्वयं भगवान ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि मैं दिव्य 1000 वर्षों तक तपस्या करने पर भी भगवान को मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया, कुछ हद तक ही मैं समझ पाया हूँ। तो इस प्रकार हम देखते है कि जैसे आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि भगवान ने क्या क्या लीलाएं की है, तो इससे क्या हुआ, क्या हुआ इससे लीला बताने से क्या हुआ? स्मरण 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 हाँ। यस तो इसलिए भगवान ने लीलाएं की है कि जिससे क्या होता है कि भगवान लीलाएं अलग अलग भगवान की लीलाओं को हम स्मरण करते हैं, जैसे भगवद गीता में भी बताया गया है।
जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता में आता है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत्यस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जो भगवान के विशुद्ध भक्त है ना, वो क्या करते हैं, हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करते रहते हैं। और जो कोई उनसे अगर एक दूसरा भक्त मिल जाता है तो क्या करते हैं, वो भगवान के लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, वो इस लीला में भगवान ने ये किया था, उस लीला में भगवान ने ऐसे किया था, पता है उस भगवान उस लीला में भगवान ने सुदर्शन को धारण किया था, और पता है उस लीला में ना कैसे भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया, ऐसे मतलब वो बात करते हैं। और उसमें क्या होता है, रमंती च, मतलब वो रमते हैं उस लीला में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लीलाएं होती है ये किस लिए होती है, जिससे भगवान का गुणगान का हम कीर्तन करें। कीर्तन क्या होता है, कीर्तन से क्या होता है, श्रवणम होता है। और श्रवणम से हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं, इसलिए भगवान ने लीलाएं की है। तो ये अलग अलग ऐसे अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो विशुद्ध भक्त है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल बता सकता है कि जो भगवान के बारे लीला में चर्चा कर रहे हैं? यस, परम कांति माता जी, शुकदेव गोस्वामी। हाँ, तो किसके साथ, मतलब दो व्यक्ति के साथ होने, परीक्षित महाराज। हाँ यस, आशा देवी माता जी, प्रहलाद महाराज आणि ते राक्षसाचे मुलं, शांतिलता माता जी, हरी बोल। विदुर और मैत्रेय मुनि के साथ में जो संभाषण हो रहा है भगवान, हरी बोल। उदरंगा माता जी, सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि। ललिता माता जी, उदरंगा माता जी, यस। अमृता माता जी, उद्धवा विदुर को बताते हैं ना, यस। परम कांति माता जी, आवाज नहीं आ रही है, सॉरी इंटरनेट इश्यू। शिव जी और पार्वती देवी जी को बताते हैं। यस, और किसी को याद है? ओके, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, वो हमेशा भगवान के लीला में गुणगान करते रहते हैं और उसमें रमते रहते हैं। तो इसलिए इससे क्या होता है, श्रवण कीर्तन और स्मरण होता है, और फिर आगे आगे चल के फिर नवदा भक्ति में हम कार्यरत होते हैं। तो ये लीला करने यहाँ पे बताया जा रहा है ना, प्रभुपाद का तात्पर्य इतने सुंदर बता रहे कि यहाँ तक कि अपनी लीलाओं के लिए भी कोई आवश्यकता न होती है। तो ये लीला करने का मेन उद्देश्य यही है कि हम लीला का स्मरण करें, और ये स्मरण कौन कर रहा है, भगवत के भक्त कर रहे हैं, विशुद्ध भक्त कर रहे हैं, जो नित्य मुक्त है। और जो नित्य बद्ध जीव है उनको वापस भगवत धाम जाने के लिए भगवान अलग अलग नित्य मुक्त जीवों को यहाँ पे इस भौतिक जगत में भेजते हैं। तो शायद किसी को एग्जाम्पल मालूम होगा कि कौन से नित्य मुक्त जीव है जो इस भौतिक जगत में आके हम लोग जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं। कोई एग्जांपल बता सकता है? प्रभुपाद। यस यस, प्रभुपाद। तो हाँ यस, मतलब उनके अंश अवतार भी आते हैं, अवतार भी आते हैं, स्वयं भगवान भी आते हैं, चैतन्य महाप्रभु। यस, तो स्वयं भगवान भी आए हैं, राइट। हाँ, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सारी लीला, ये हम लोग इस जीवन, क्योंकि भगवान क्या है ना, भगवान दयालु है, परम कृपालु है, और भगवान हमें वापस लेना लेके जाना चाहते हैं। भगवान नहीं चाहते कि मेरे बच्चे, क्योंकि भगवान क्या है, परम पिता है हम लोगों जीवों के, और वो नहीं चाहते कि मेरे जीव हमेशा इस दुख में भर रहे, क्योंकि ये भौतिक जगत क्या है, कैसा है भौतिक जगत, कौन बता सकता है? तो ये भौतिक जगत दुखालयम, इसमें पद पद पर विपदा है, मतलब पद पद यत विपदम, तो हर एक स्टेप में विपदा है। देखते हम लोग जैसे अभी देख रहे कोरोना का सिचुएशन है, अभी कोरोना का वेरिएंट आ रहा है ना अलग अलग,
फर्स्ट वेव आ गया, सेकंड हो गया, अभी थर्ड आ रहा है, इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट आ रहे हैं। तो ये हमेशा हर पद में विपदा है, लेकिन भगवान नहीं चाहते कि मेरे जो जीव है, जो मेरे बच्चे हैं, इस दुख को सहन करें, वो वापस लेके आना चाहते। इसलिए लीला करते हैं, अपने अंश अवतार को भेजते हैं, अपने सत्तावेश अवतार को भेजते हैं, स्वयं आते हैं, अलग अलग लीला करते हैं, क्योंकि हम क्या है ना, इस भौतिक जगत के प्रकृति के बहिरंगा शक्ति के प्रकृति में बहिरंगा शक्ति द्वारा हम बद्ध हो चुके हैं, हम माया में फंस चुके हैं। हम लोगों ने पिछले श्लोकों में भी देखा कि हमारी जो शुद्ध चेतना है वो ढक जाती है माया के प्रभाव के कारण। तो ये तो हम लोग सामान्य जीव है, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी भगवान की लीलाओं से इस माया के प्रकृति में मोहवश होके मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो कोई एग्जाम्पल बता सकता है कि कौन इस माया के मोहग्रस्त में होके भगवान को भी नहीं पहचान पाया? अपने लीलाओं में भी बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं। यस परम कांति माता जी, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, यस इंद्रदेव, हाँ माता जी, आप कुछ कहना चाहती है? ब्रह्मा ही बोल रही थी मैं। दुर्योधन, यस वंदना माता जी, नारद मुनि, यशोदा माता जी की नहीं पहचान पाई, जब उन्होंने उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा तो फिर विस्मृति दे दी भगवान ने उनको। यस माता जी, हाँ तो यहाँ पे बात हो रहा है कि जो माया की शक्ति के द्वारा आच्छादित हो, मतलब ढक गए हैं उनका ज्ञान। यस दुर्योधन, दुर्योधन माता जी, दुर्योधन, यस आशा देवी माता जी, असुर कंस, ब्राह्मण, ब्राह्मण पत्नियों को भगवान के बारे में मत पता, लेकिन ब्राह्मण जो ब्राह्मण थे वो भगवान के लिए यज्ञ वगैरह कर रहे थे, लेकिन वो भी भगवान को भूल गए थे, माया शक्ति ने उन्हें भुला दिया था। शिशुपाल, यस माता जी, दुर्योधन, दुर्योधन, हाँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग जो बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता है, फिर भी वो इस माया जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है उसके कारण वो उनका ज्ञान ढक जाता है और वो भगवान को जान नहीं पाते हैं। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला है, गोवर्धन लीला है, इंद्र भी वहां पे मोहित हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा तो क्या है, ब्रह्मा तो आदि कवि है ना, आदि कवि कहा जाता है, जो भगवान के सबसे पहले मतलब जीव है, जो भगवान ने उनको अपने नाभि कमल से उनको उत्पन्न किया था, तो वो सबसे पहले जानने वाले है भगवान को, फिर भी वो विमोहित हो गए कि भगवान को नहीं जान पाए कि क्या है ये, भगवान कैसे हो सकते हैं, जो बच्चों का छोटे छोटे ग्वाल बाल है, जो गायों के पीछे भागने वाले हैं, उनका छूटन खा रहे, तो ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये अखिल ब्रह्मांड नायक कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि ये जो माया शक्ति है ना, ये इतनी प्रभावशाली है कि वो बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि को की ज्ञान को ढक देती है। तो हम सोच सकते हैं कि हम किस मतलब बोलते हैं ना, हम किस झाड़ की पत्ती है, हम तो एक शुद्र जीव है, तो हमारा तो ज्ञान तो ऐसे ही है नहीं, खास करके मेरा तो कोई है नहीं भगवान का, लेकिन फिर भी ये तो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि ये माया के कारण ये हमारा ज्ञान इस प्रकार हम क्या होता है ना, वशीभूत होने के कारण हम बद्ध बन जाते हैं। और ये जो बद्ध होने के कारण, जैसे भगवान बहिरंगा शक्ति माया के स्वामी है और जीव भौतिक दशा के अंतर्गत उसी माया के अधीन रहता है, तो हम क्या करते हैं, जीव भी उसी माया के अधीन हो जाता है। और जीव द्वारा भगवान के स्वामी पद को प्राप्त करने का मिथ्या प्रयास ही उनके भौतिक बंधन का कारण है। तो हम बेकार में प्रयास करते हैं, नहीं नहीं हमें जैसे भगवान गोलोक वृंदावन में स्वामी बने हैं, हमें भी स्वामी बनना है। ये मतलब जो प्रयास जो कभी सफल नहीं होने वाला है वो हम इसका प्रयास करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, इस ये मतलब ये एक प्रकार से भगवान से ईर्ष्या करने के समान है। और इसके कारण क्या होता है, हम पहले से इस भौतिक जगत में है और ये प्रयास जो प्रयास कभी भी सफल होने वाला नहीं है, हम कभी भी जीव कभी भी स्वामी नहीं बन सकता है,
वो इसके कारण हम जो नित्यबद्ध है वो और भी नित्यबद्ध हमेशा के लिए नित्यबद्ध हो जाते हैं। इसके कारण हम हमेशा अधोलोक में भेजे जाते हैं, हमारी कभी प्रगति नहीं होती। लेकिन भगवान दयालु होने के कारण अपने अलग अलग अंशों को भेजते हैं, अलग अलग लीला करते हैं जिससे जीव का उद्धार हो सके और वो वापस भगवत धाम आ सके। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी और वो स्टोरी से हम फिर वो स्टोरी से हम इस हम लोग का क्लास को हम विराम देंगे। तो जैसे हम आप लोगों ने सबने बताया कि ब्रह्मा जी मोहग्रस्त हो जाते हैं और इंद्रदेव भी मोहग्रस्त होता है, तो किसी ने बताया नारद मुनि भी मोहग्रस्त हो गए थे। तो नारद मुनि का एक कथा आता है इस संदर्भ में कि ये सतयुग की बात है कि उस टाइम में ऐसा था कि नारद मुनि एक बार घनघोर तपस्या के लिए बैठ जाते हैं। तो बहुत घनघोर तपस्या करते हैं बहुत समय के लिए। तो जब भी हम हमेशा मतलब जैसे हम देखते हैं कि कोई अगर तपस्या करने बैठ जाए तो इंद्रदेव हिल जाते हैं, वो सोचते हैं अरे अभी गया मेरा आसन, अभी ये इतना तपस्या करेगा अभी ये मेरा आसन गया, अभी मेरा साम्राज्य चला जाएगा। तो जब नारद मुनि का तपस्या देखते हैं तो इंद्रदेव क्या करते हैं अपने अप्सराओं को भेजते हैं। तो मेनका आती है अलग मतलब अप्सराओं को भेजते हैं, फिर भी यहाँ पे नारद मुनि अपनी तपस्या में लगे रहते हैं। तो नारद मुनि कोई मतलब नारद मुनि पर उन अप्सराओं को कोई असर नहीं होता है। फिर अभी क्या करते हैं, अभी भगवान इंद्रदेव क्या करते हैं कामदेव को भेजते हैं। तो वहां पे कामदेव आने पर भी नारद मुनि में कोई उनका कोई असर नहीं होता है, नारद मुनि अपना तपस्या में लीन रहते हैं। तो फिर सब लोग हार जाते हैं मतलब इन की तपस्या से हार जाते, मान लेती कि स्वीकार करते कि आप तो बड़े महात्मा हो संत हो, आपको इन स्वयं मतलब अप्सराए आके स्वयं कामदेव आके भी आपको विचलित नहीं कर पाए, इतने आप ये है तो मतलब वैरागी है, आपने कितना बड़ा वैरागी है कि आपके सामने कामदेव आके भी इतना प्रयास करने पर भी आपको तपस्या को कोई हिला नहीं पाया। तो इतने बड़े आप वैरागी हो क्योंकि आप भगवान के सबसे बड़े भक्त हो। तो सब उनको नमन करते हैं। तो नारद मुनि खुश हो मतलब अपना नारद मुनि है सोचता है ना कि हाँ अभी मैं सबसे बड़ा वैरागी बन गया हूँ करके। तो चलो अभी हम लोगों का ऐसा होता है ना कि जनरली हम लोगों को कुछ प्राप्त हो गया तो हम लोग किसी को बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। तो अभी नारद मुनि सोचते हैं अभी ये तो बात तो किसी को बतानी चाहिए कि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं देखो कितना बड़ा वैरागी बन गया। तो अभी सोचते चलो अभी कोई किसके पास जाए किसके पास जाए। हाँ तो मेरा भाई है, कौन है नारद मुनि के भाई कौन है? यस परम कांति माता जी, शिव जी। हाँ तो नारद मुनि कहाँ जाते हैं? अपने भाई के पास, शिव जी के पास जाते हैं और सोचते हाँ देखा मैंने पता है ना मैंने इतनी घनघोर तपस्या की, इंद्रदेव ने अप्सराओं को भी भेजा और ये कामदेव स्वयं आके मतलब इंद्रदेव और उन्होंने एक टीम बना ली और मेरा तपस्या भंग करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं ना बस अपनी तपस्या में डटा रहा। इतना सुंदर बता रहे कि मतलब हाँ लेकिन मैं थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ, देखा मैंने कितना बड़ी तपस्या किया। तो शिव जी बोलते हाँ बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया, ये बहुत बड़ी बात है, ये तो मैं भी नहीं कर पाता लेकिन ये तुमने किया बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बोलो कि आप ना ये बात आप विष्णु को मत बताना। तो नारद मुनि सोचते है अरे ये तो मैंने इतना बड़ा तपस्या किया, काम स्वयं कामदेव को मैंने जीत लिया, इंद्र भी मेरे हार मतलब हार स्वीकार किया और तुम बोल रहे हो कि ये मत बोलो, मतलब मैंने इतना अच्छा कार्य किया और किसी को मत मतलब हरि को मत बोलो। तो नारद मुनि सोचते नहीं नहीं ये बात तो मुझे हरि को बतानी चाहिए क्योंकि मैंने इतना अच्छा कार्य किया तो हरि को बताना चाहिए ना। तो वो चले जाते फिर वहां भगवान के पास आते, तो भगवान तो अंतर्यामी है भगवान सब जानते, नारद मुनि आइए आइए। अरे आप नारद मुनि इतने दिन कहा इतने दिनों तक आपका दर्शन नहीं हुआ, कहाँ थे आप? नारद हाँ वो मैं थोड़ा तपस्या कर रहा था तो इसलिए मैं आ नहीं सका, और पता है
आपको पता है मैंने अप्सराओं के सामने भी विचलित नहीं हुआ, स्वयं कामदेव भी आए तो फिर भी मैं अपने तपस्या में डटा रहा, मेरा वैराग्य कोई हिला नहीं सकता। अभी मैं विश्व का सबसे बड़ा वैराग्य बन गया हूँ, तो भगवान खुश होते भगवान के, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी। ठीक है चलो, तो फिर वहां से भगवान भगवान से प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं भगवान को। नारद मुनि तो हमेशा खुश हो जाते हैं, तो आते हैं वो अपना श्रीमन नारायण नारायण करते आते हैं। आगे थोड़ा सा आगे चल के आते तो वहां पे एक बड़ी सुंदर नगरी वहां पे उनको दिखती है, बड़े बड़े महल है वहां पे, सोने के दरवाजे है, रथ है, घोड़े है, पूरा ऐश्वर्य से भरा है, अनेक अनेक राजा वहां पे दिख रहे हैं, और सभी जो द्वारपाल है वो सभी दासियां, वहां पे बड़ा राज्य वहां पे दिखता है। तो वहां पे फिर नारद मुनि प्रवेश करते हैं और वहां के जो राजा है वो उनका स्वागत करते हैं, बड़े उनका फूलों से सुगंधी अत्तर उनको डालते हैं और बड़ा स्वागत करते हैं। म्यूजिक के लिए वो वाद्य भी बजाया जाता है कि हाँ बड़े मुनि आए हैं, ऋषि सब विश्व के सबसे बड़े वैरागी जो नारद मुनि है वह हमारे घर में पधारे है, ये तो हमारा अहो सौभाग्य है कि नारद मुनि हमारे घर पधारे है। तो इस प्रकार उनका स्वागत करते हैं। फिर महाराज मतलब राजा से नारद मुनि पूछते हैं, तो बताइए अभी आपका राजकार्य कैसे चल रहा है। तो बता दे कि हाँ वो है ना अभी मेरी एक पुत्री है, तो आप उसको कुछ आशीर्वाद दीजिए करके। तो ठीक है, तो राजा अपनी पुत्री को बुलाते हैं, तो जैसे ही वो राजा की राजकन्या सामने आती है, बस नारद मुनि का वैराग्य वही पे हिल जाता है, क्योंकि वो इतनी सुंदर होती है और उसका नाम ही विश्व मोहिनी होता है। तो मतलब वो सारे मतलब वहां पे लक्ष्मी का क्या सौंदर्य है, उससे भी बढ़कर अति सुंदर वो विश्व मोहिनी का सौंदर्य वहां पे बताया जा रहा है। तो वो सौंदर्य देख के नारद मुनि का वैराग्य पूरा डामाडोल हो जाता है और अभी तुरंत उनके मन में आ जाता है कि अभी कुछ तो करना चाहिए, अभी मैं कुछ तो करना चाहिए करके वो सोचते। अभी फिर राजा को बोलते हैं, हाँ ये तो इतनी सुंदर है तो आप इसका स्वयंवर क्यों नहीं करते, तो आप इसका स्वयंवर रखिए। तो राजा ठीक है, राजा बोलते हाँ ठीक है। तो फिर वहां से नारद मुनि चले जाते हैं और ये राजा अपना स्वयंवर का अरेंजमेंट करते हैं, वहां पे सब स्वयंवर की तैयारी करने लगते हैं। तो अभी नारद मुनि वहां से निकलते सोचते अभी ये विश्व मोहिनी को तो मुझे पाना है, अभी तो ये तो मैं वैरागी हूँ, ये सारे जटा मेरे हाथ में, मैं धोती और अंगवस्त्र पहन के रहता हूँ, मेरे हाथ में बीना है, तो वो विश्व मोहिनी मुझे कैसे स्वीकार करेगी, तो मुझे तो कोई मतलब सौंदर्य होना चाहिए ना, तभी तो वो मुझसे विवाह करेगी। तो फिर अभी विश्व का सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है, तो भगवान है, तो हरि, भगवान हरि के पास मुझे जाना चाहिए। तो फिर भगवान के पास जाते हैं, अरे नारद मुनि आइए आइए, आप आए बहुत अच्छी बात है, कहिए क्या समाचार है, ऐसे भगवान पूछते हैं। तो फिर बताते हैं कि वो एक राज्य है वहां पे राजा की राजपुत्री का सौंदर्य ये स्वयंवर होने वाला है, और जैसा कि आप मैं जानता हूँ आप तो मुझे जानते हैं कि जैसे वर्णाश्रम के धर्म के अनुसार पहले मैं ब्रह्मचारी था, अभी मैं थोड़ा गृहस्थ अगले आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं गृहस्थ बनना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे विवाह करना है, तो इस वस्त्र में मैं मतलब इस अवस्था में मैं ये नहीं कर सकता, तो आप मुझे सौंदर्य दीजिए, आप मुझे सुंदरता प्रदान कीजिए जिससे मैं वो राजकन्या है मुझसे विवाह करे। तो इस प्रकार फिर वो आते हैं और बोलते हैं कि मुझे हरि जैसा सौंदर्य चाहिए, हरि आप हरि हो ना, हरि के जैसा मुझे सौंदर्य चाहिए। तो भगवान बोलते हैं तथास्तु, तो जैसे देखेंगे कि हाँ तो ठीक है आ जाते हैं भगवान। तो नारद मुनि बहुत खुश हो जाते हैं, अभी तो मुझे क्या मतलब मैं पहले इतना बड़ा वैरागी था, अभी मैं इतना सुंदर बन गया हूँ क्योंकि स्वयं हरि का रूप मुझे मिला है, हरि का सौंदर्य अभी मुझे मिला है। तो बहुत खुश हो जाते हैं, तैयार व्यार होते हैं और आते हैं स्वयंवर में। तो आते हैं तो पहले द्वारपाल हंसते हैं उनको,
फिर आगे आगे आके फिर जैसे जैसे वो जो दासिया है वो फूल डालने वाली या जो भी अत्तर वगैरह छिड़कने वाली है वो भी थोड़ा थोड़ा ऐसे मुंह ढक के उनको देख के हंसती रहती है। फिर आके है फिर जब भी वो प्रवेश करते हैं तो वो सभी जो राजपुत्र आए हैं वो भी थोड़ा उनको देख के हंसते हैं। तो वो नारद मुनि सोचते है ना कि हाँ ये लोग मुझे हंस रहे, क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि भगवान ने हरि का रूप मुझे दिया है, अपना स्वयं का रूप मुझे दिया है, इसलिए ये सब लोग ना अभी मुझ पे जल रहे हैं, तो इसलिए वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं करके वो नारद मुनि ऐसे सोच रहे हैं। फिर आके बैठते हैं आसन पे, वो फिर राजकुमारी आती है, विश्व मोहिनी आती है, फिर एक एक करके राजा के पास आती है। जब नारद मुनि का टर्न आता है तो देखते हाँ मैं इतना सुंदर हूँ, अभी वो माला मेरे गले में डालेगी। लेकिन वो राजकुमारी है वो देख के उनको हंसती है, आगे चले जाती है। उनके साथ में जो दासी है वो भी देख हंसती है, वो भी आगे चले जाती है। तो नारद मुनि को ऐसे लगता है अरे शायद उन्होंने मुझे ठीक से देखा नहीं है। फिर नारद मुनि क्या करते हैं, क्यों तोड़ के आगे चढ़ के खड़े हो जाते हैं। तो वहां पे अगेन उनका टर्न आता है, तभी भी हंसते हैं वो सभी राजकुमारिया, मतलब राजकुमारिया और दासिया सब हंसते हैं। तो फिर ये आगे फिर थर्ड टाइम भी ऐसे करते हैं। फिर वो दासिया बोलती है, मतलब वो नारद मुनि सोचते हैं अरे मैं इतना सुंदर हूँ, फिर राजकुमारी मेरे गले में क्यों नहीं माला डाल रही है, ऐसे सोचते रहते हैं। तभी उसी समय भगवान वहां पे प्रवेश करते हैं, और जैसे भगवान वहां पे प्रवेश करते हैं तो वो विश्व मोहिनी क्या करती है, भगवान के गले में वरमाला डाल देती है। तो अभी तो नारद मुनि का टेम्पर फिर वहां पे हिल जाता है। वो मैं मतलब ये हरि जिसका सौंदर्य मुझे प्राप्त हुआ है, ये विश्व मोहिनी मुझे गले में माला नहीं डाला, ये हरि आ गया तो उनके गले में माला डाल दिया, ये कैसे बात है? तो फिर भगवान से बात कर दे, ये कैसा ये क्या चीज है करके। तो भगवान आपके जैसा सौंदर्य आपने मुझे दिया है ना। तो फिर विश्व भगवान बोलते हैं, तो उनको फिर गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो देखते अब मेरा सौंदर्य हरि के जैसा है, तो फिर अभी वो क्या करते हैं, वहां पे जैसे एक बर्तन होता है जो हम लोग वहां पे उसमें पानी भरा हुआ है, तो भगवान वहां पे जाके पानी में देखते हैं। तो जैसे ही भगवान सॉरी नारद मुनि वहां पे पानी में देखते हैं तो उनका अपना सौंदर्य उनको मालूम पड़ जाता है। क्या सौंदर्य है उनका, हरि का सौंदर्य। तो एक संस्कृत में वर्ड है, हरि का अर्थ है मंकी, मतलब वानर। तो उनका जो रूप है ना वो मंकी जैसा बन जाता है, मतलब वानर के स्वरूप उनको प्राप्त हो जाता है, उनका चेहरा बंदर के जैसा बन जाता है। तो जैसे ही नारद मुनि देखते हैं तो पहले तो वो काम के वशीभूत हो गए थे कि वैरागी होने मतलब ब्रह्मचारी होने पर भी वो शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो माया शक्ति के कारण काम के वशीभूत हो गए। और जैसा ही पानी में अपना मुख देख लेते हैं अभी वो क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। अभी फिर इतना क्रोध आता है, बोलते हैं कि कैसे भी कैसे हो तुम हरि, तुमने इतना मेरे साथ दुष्कर्म किया, मुझे इतना मैंने तुम्हारा सौंदर्य माना था, तुमने ये मुझे बंदर का रूप दे दिया, वो शिवजी को भी विष पाषण करवाया, कितने सितने गलत गलत कार्य करते हो, तुम कैसे हरि हो करके। तो वहां पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। देखो अभी मैं ये विश्व मोहिनी के साथ विवाह करना चाहता था, अभी मुझे कितना पीड़ा हो रहा है, अभी मैं तुमको एक श्राप देता हूँ, ये श्राप जैसा मैं इस परिस्थिति में मैं एक विवाह करना चाहता और मुझे जिस पीड़ा उत्पन्न हो रही वैसी ही पीड़ा वैसा ही वियोग तुम्हें प्राप्त होगा, और तुम्हें इस अगले जन्म मतलब आपको जो रूप मुझे दिया है बंदर का रूप, आपको ये बंदर का ही सहायता लेना पड़ेगी, और ऐसी सहायता लेने पड़ेगी कि उस सहायता को भगवान की इस सहायता को वानरों की सहायता को लोग युगो युगो तक याद रखेंगे। इस प्रकार भगवान को श्राप देते हैं। फिर भगवान तो क्या भगवान है, बस भगवान एक तरह उनको देख के बस मुस्कुराते हैं। तो नारद मुनि मतलब उनको समझ नहीं आता मैंने इतना गुस्सा किया फिर भगवान क्यों हंस रहे हैं करके। तो फिर जैसे भगवान के तरफ देखता है तो नारद मुनि का क्रोध शांत हो जाता है, और वो फिर उनको मालूम पड़ता है कि मुझे भगवान को श्राप नहीं देना चाहिए था। फिर भगवान को प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और फिर भगवान से क्षमा मांगते हैं कि भगवान
मुझे क्षमा कर दिए, मैं काम और क्रोध के वश आपको श्राप दे दिया करके। और लेकिन भगवान वहां पे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये सारी मेरी लीला है और ये मेरी लीला के कारण ही ये सब कुछ घटित हो गया, जरा पीछे मुड़ के देखिए। तो जैसे भगवान नारद मुनि पीछे मुड़ के देते हैं, वो सारा नगर, वो सारा राज को, राज्य और सारी राज को, मतलब राजकुमार, वो सब गायब हो जाता है। फिर तभी उनको, नारद मुनि को पता चलता है कि ये सारी भगवान की लीला है। और ये कभी की लीला है, ये रामायण शुरू होने से पहले की लीला है। और इस हम देखते हैं कि रामायण में भगवान को बड़ा वियोग हुआ था, क्योंकि सीता महारानी को रावण ने हरण कर लिया था। और जैसे सीता महारानी को प्राप्त करने के लिए वानरों की, बंदरों की उन्होंने सहायता ली थी। और ये जो लीला है रामायण की लीला, ये हम लोग मतलब युगों युगों तक चलने वाली है। तो हम लोग इस कथा से हम देखते हैं कि ब्रह्मा तो मोहित होते हैं, लेकिन जो हमेशा के लिए जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है नारद मुनि, वो भी विमोहित वापे हो जाते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये जो बहिरंगा शक्ति है ना माया की, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, ये इतनी शक्तिशाली है ना कि वहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, देवता भी वहां पे विमोहित हो जाते हैं। तो हरे कृष्णा, मैं यहाँ पे विराम देना चाहूंगी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गंतरा श्रीमद भागवतम की।